इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बयान। इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का DLF घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? IPL का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रॉन्ट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी, 10 साल तक स्थिरता दी। 30 साल से कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास। मान्यवर, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम। मान्यवर, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं मोदी जी ने और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही 15 अगस्त को अमृत काल शुरू होगा। 25 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य मिलते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको अविश्वास है, जनता को विश्वास है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे, तो वहीं बैठना पड़ेगा, आपको कितना भी बुरा लगे। मान्यवर, मैं आज
मैं आज इस सदन के अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना है, भारत को ऐसे मोड़ में लाकर मोदी जी ने खड़ा किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आजादी के अमृत वर्ष में हम सब ने शताब्दी में भारत कैसा होगा इसका संकल्प लिया है, संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के एक 25 साल है, एक 5 साल मोदी को दे दीजिए। आने वाले दिनों में भारत विश्व के सब क्षेत्रों में एक नंबर का देश बनेगा। बाद अंत में मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है।